अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कराची का चांडी और एक ब्रांड न्यू जिम के रिव्यू के साथ इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं। ये सड़क जा रही है रहमान भाई आयशा मंजिल से, अगर आप जो है वाटर पंप की तरफ जा रहे होते हैं तो उस सड़क पर एक ऐसे जिम का रिव्यू करने। हमने हमेशा चुके सुना था कि भाई नो पेन नो गेन, मगर भाईजान ये जो जिम का हम रिव्यू करने लगे ना, यहाँ का जो फिटनेस ट्रेनर है वो आपको हंसाएगा भी, एक्सरसाइज भी करवाएगा भी। और मजे की बात ये है कि ये जो ट्रेनर साहब है ना, ये बहुत ही नामी गिरामी यूट्यूबर हैं। देखते हैं जी इन्होंने कैसा जिम बनाया है, और मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है ये बात बताते हुए कि चलो यार इंडस्ट्री के लोग भी इस चीज में आ रहे हैं। एक जबरदस्त सा रिव्यू आपके लिए लाए रहमान भाई, वो रहा फिटनेस नेशन। चले आओ जी। भजन जिम असल में नया नया इनका बना है। फर्स्ट इंप्रेशन जो मेरा है, अगर मैं जिम देखता हूँ तो मैं काम करता हूँ जी ट्रेडमिल्स, 1 2 3 तीन ट्रेडमिल्स, यानी कि उसका इलेप्टिकल भी है, प्लस इनके पास यहाँ पे कार्डियो का पूरा एक इनके पास यहाँ पे पूरा सेटअप है। क्रॉसफिट वगैरह के लिए भी इन्होंने नीचे का पोर्शन जो है रखा हुआ है। प्लस बहुत अच्छी एक बात होती है कि जब आप क्रॉसफिट का एरिया बनाते हैं, कार्डियो का एरिया बनाते हैं, तो उसके साथ लेग्स का जो है ना, मैं कहता हूँ कि आप वहीं ही सेटअप कर दिया करें। मुझे कुछ मशीन्स होती ना कैची होती हैं, किसी को क्रॉसओवर फंक्शनल ट्रेनर वगैरह बहुत पसंद होते हैं, लेकिन यार मुझे लेग प्रेस बहुत पसंद है ज़ाती तौर पर। और इस वक्त करेंटली ये वाली लेग प्रेस एक तो लुक में भी और एक तो यूज़ में भी, ये प्लस मतलब मेरे अगर मैं अपने जिम के लिए खरीदूंगा ना तो मुझे ये वाली लेग प्रेस पर्सनली बहुत पसंद है, और बहुत ही बेहतरीन मॉडल इस वक्त का ये चल रहा है। हमारे यूट्यूबर भाई ने खर्चा किया है और अच्छा खर्चा किया हुआ है। इस वक्त मैं काफ़ी जिम्स जाता हूँ इस। अच्छा रहमान भाई एक बात बताऊँ आपको, देखो ये जो ये पूरा इन्होंने जो इंटीरियर बनाया हुआ है ना, उसके साथ कलर कॉम्बिनेशन मशीन्स का भी वो भी बहुत मैटर करता है। ऐसा ही है सर? तो यानी कि सिल्वर एंड ब्लैक बोथ का कॉम्बिनेशन इस वक्त इस जिम को उठा रहा है। लॉकर्स भी हैं इनके पास, चेंज रूम भी है, साथ में वॉशरूम की भी फैसिलिटी है। सबसे मज़े की बात यह है कि ये को जिम है, और इनकी टाइमिंग्स मज़ीद इनके ट्रेनर से भी बात करेंगे और बताएंगे आपको कि इनकी टाइमिंग्स वगैरह का भी क्या सिलसिला है। बटरफ्लाई तो खैर इस वक्त का एक करंट मॉडल है। बाइसेप्स वगैरह के लिए इन्होंने एक अलग जगह रखी है। और सबसे मज़ेदार, अच्छा कुछ चीज़ें होती है ना जो मतलब कि जैसे जिम अगर मैं भी बनाता तो ऐसे बनाता, हाइट इन्होंने जो जिस हिसाब की हाइट के हिसाब से इन्होंने बाइसेप को भी यहाँ दे दिया, इंक्लाइन बेंच भी दे दी यहाँ पे। अच्छा एक फंक्शनल ट्रेनर, सबसे बड़ी बात एक फंक्शनल ट्रेनर और क्रॉस ओवर, यानी कि ये इन्होंने दो रखी हैं यहाँ पे, स्मिथ हॉट टाइट बटरफ्लाई दो रखी हैं। अगर आपके पास जो है वो स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, इन्होंने पुल डाउन एक दो प्रीचर कल एंड में रख दी, कमांडो भी है, मतलब इट मोर और लेस मशीनों में तो जिम पूरा है। एम्बियंस में भी अच्छा जिम है यार, साफ सुथरा जिम है, और क्या चाहिए मतलब इस एरिया में ऐसा जिम। अभी नीचे भाई भी बता रहे थे मैं, रहमान भाई तो भाई से मिलवाएं इनको, किसका जिम है ये भाई आपके पीछे। आओ भजन, ये जिम जो है ना वो अहमद खान साहब का है। आप कहाँ जिम में पैदा हुए, क्योंकि मैंने आपको हमेशा जिम में ही देखा है। भजन मतलब ये कि शुरू से ही ये काम किया देखा, थोड़ी बहुत समझ रखते हैं तो तभी हमने बोला भाई का भी जिम देखा। इतना एक्सपीरियंस है, ये कपड़े पहने हुए इंसान के मसल्स गिन लेता अंदर में। और आपको शुरू में इंट्रो क्या दिया था कि यहाँ जो ट्रेनर वगैरह है ना वो आप हंसेंगे ज्यादा, ठीक है, यार देखें भी पिघलाएंगे भी बॉडी भी बनवाएंगे। देखें हम उन लोगों में से नहीं है कि यूं ट्राइसेप दिखा रहे हैं, ट्राइसेप नजर आ रहा है वीडियो में, नहीं हम उन लोगों में से नहीं है। अचानक वीडियो चल रही है यूं कर दिया ताकि मेरी बॉल नजर आए, हम ये काम नहीं करते भाई। और ये कटिंग दिखा देते हैं अक्सर लोग वीडियो में, लेकिन ये करना नहीं चाहिए, बुरी बात है ये, है ना, हम उन लोगों में से है ही नहीं भाई। ये देखे भाई ये पीछे से कटिंग नजर आ रही है, हाँ मैं नहीं दिखाऊंगा भाई, ये चीप लगता है मुझे। अब मैं क्या जो जान है भाई, आप देखो जो नजर आ रही है वो नजर आ रही है। लेकिन मैं आपको सरप्राइज दूँ जी सर, आई एम नॉट ट्रेनर, आई एम अंडर कंस्ट्रक्शन बिफोर टू वीक्स। मैं अंग्रेजी भी नहीं बोलता भाई, अपनी इंग्लिश बोलता हूँ घर की बनी हुई, बाहर की इंग्लिश ना, बाहर का ना खाना खाते हैं ना बोलते हैं। तो ट्रेनर हमारे जो हैं, पता है आप लोग भाग नहीं जाइएगा कि ट्रेनर इतना मोटा फैट हो रहा है यहाँ से, ना समझ रहे हम यहाँ से फैट है, ज़रा अल्लाह जानता है कैसे अंदर कर रहा हूँ पेट। ट्रेनर जो हैं वो है हमारे फवाद भाई। ये कपड़ा हटाया नहीं
नई गाड़ी खरीद रहे होते ना। सच्चाई बात बता दूं, ये एक घंटा पहले पंप किया है, फुल बाइसेप ट्रेनिंग करी है एक घंटा। सब करते हैं जो मिस्टर ओलंपिया जो मुकाबला होता है ना, ये वो सब करते हैं। वो सुंगचुल नाच रहा है, वो भी पंप करके नाच रहा है। दो हफ्ते बताया ना, दो हफ्ते यार। चांडियो पॉइंट पे पहुंचाते हैं। देखिए सर, जिम आपने बहुत अच्छी लोकेलिटी पे एक तो खोला है और बड़ा जबरदस्त जिम है, इवन इक्विपमेंट वाइज मैं आपका जिम पॉइंट में पूरा है सर, ठीक है। मुझे ये बताइएगा सर जी, को है क्या, टाइमिंग है क्या, फीस स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा लोग भी हमारे बात भाई। स्ट्रक्चर ये है कि 2000 एडमिशन फीस है, परफेक्ट, जो हमने अभी ऑफ करी हुई है, ठीक है सर। 4000 मंथली है, अभी मंथली ले रहे हैं, ठीक है सर। इसी तरह से ट्रेनिंग में भी डिस्काउंट है, परसेंट ट्रेनिंग में भी डिस्काउंट है। टाइमिंग में आपको क्लियर कर दूँ, फीमेल की जो टाइमिंग है अलग से, वो 11 से 5 है। फोर टाइमिंग सुबह मॉर्निंग की 7 से 11 और शाम की 5 से 12 और अगर कोई थोड़े ज़्यादा पैसे दे तो हम सुबह रात सुबह फजर तक भी रुक सकते हैं। ये मामला सिर्फ 12 तक महदूद नहीं है यार, प्राइवेट आवर शुरू हो जाएगी। हाँ ना, तुम्हें पता है ना, फिर वो मसला पता है क्या है, 12 बजे के बाद वो दूसरे लोग काम शुरू कर देते हैं, समझ रहे हो। लेकिन अभी ये कि हमारे पास गार्ड है, आप बेफिक्र रहें, हमारे पास गार्ड है। हमने क्रिकेट कभी गार्ड के बिना नहीं खेली, हम जिम कैसे बिना गार्ड के। मैं फवाद को बहुत पहले से जानता हूँ और फवाद को मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हुए भी देखा है, और इसको मैं कहता हूँ कि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ तो फवाद की अक्सर और मेरी मुलाकात रहती है। ज़ाती तौर पे बहुत अच्छा ट्रेनर है लौंडा हमारा। थैंक यू। बाकी फीस रीजनेबल है इस एरिया के हिसाब से सर, और सबसे बड़ी बात इस एरिया में आप लोगों ने इतना अच्छा जिम खोला है। फवाद कुछ कह रहे हैं, एक चीज़ आपकी वीडियो के हवाले से मैं बता दूँ, अगर इनकी वीडियो देखकर कोई मेरे पास आता है तो उसको मैं मंथली में भी डिस्काउंट कर दूँगा। अहमद भाई होते आ रहे, बॉडी बनाते आ रहे, कैलरी कैसे काउंट कर रहे हैं सर? कैलरी यार देखो, जब मुझे हाथ कपकपाने लगते हैं तो मुझे पता लगता है मेरी कैलरीज कम हो रही है, और जब मैं पेट भरे आता है मेरा तो मैं सोचता हूँ मेरी कैलरी ज्यादा। इन शॉर्ट आप जो है वो ऑटो पे लगे हुए जुगाड़। लेकिन सर जी, मैं ऑटो पे नहीं लगता, मैंने अच्छा? जो है ना ये एक वॉच पहनी हुई है, LTW8 जी, login.com.pk से ये घड़ी जो है ना आप देख सकते हैं। इसमें इसके अंदर सबसे अच्छा फीचर ये है, आप इसके अंदर कैलरीज वगैरह आपने अपनी जो है वो टोटल रनिंग वगैरह, हार्ट बीट आपकी, ठीक है, आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लें इसको, आप जिम कर रहे हैं, अपना म्यूजिक भी कंट्रोल कर सकते हैं इसके ऊपर। 1.9 इंच सर इसका डिस्प्ले है, ठीक है यार। और प्राइस इसकी है 6000 समथिंग, इस वक्त इसकी जो प्राइस वगैरह चल रही है, जिम के जितने भी लोग हैं उनके लिए बड़े काम की। अच्छी बात ये कि देखने में भी बहुत कूल है ये। यस सर। एक दे क्या चले जाएगा यार। अच्छा, कुछ घड़ियाँ होती हैं वो कैलरीज बस नाम की होती है, वो सही बताती नहीं है। नहीं सर, मैं देखिए मैं इस वजह से इस चीज़ को चूज़ करता हूँ कि सर हमारा मामला थोड़ा सा ना जिम को लेके ना बड़ा एक्यूरेट चल रहा है। सही है, एक्यूरेट होता है। फवाद भाई वाला हिसाब है हमारा, इंस्ट्रक्टर के लिए बड़ी जरूरी है, डिस्काउंट करके अपनी डाइट बढ़ा। सही बात है भाई। तो फिर मैं एक दिन ये इसको ब्राउज कर रहा था, login.com.pk से मैंने इसको ऑर्डर किया है, एक रोज के अंदर ये मुझे डिलीवर हो गई थी, बहुत अच्छी प्राइस में, वाटर प्रूफ है, और क्या चाहिए, पसीना आ रहा है, कुछ भी हो रहा है तब भी आपकी कैलरी काउंट करती रहेगी। क्या बात है। लेकिन ये मंगाऊंगा तो कितने दिन में आ जाएगी? एक दिन में आपको डिलीवर हो जाएगी, एक दिन में डिलीवर हो जाएगी यार। आप मेरी भी ऑर्डर करते हैं, ठीक है, पैसे कर लेंगे। यार ये डंबल भी 40 kg मैक्सिमम इनके पास डंबल भी है, रबर तो कोटेड डंबल, तो खैर रबर कोटेड प्लेट्स भी इनकी बहुत ज़्यादा है। बाकी सिलसिला ये है सर जी कि अब आ जाए जी इसमें आपको जिम का ओवरऑल रिव्यू। जिम अच्छी लोकेशन पे है, इस एरिया में ऐसा जिम मैंने नहीं देखा इससे पहले। दूसरी बात ये है कि अहमद खान साहब की सुपरविजन में चल रहा है और फवाद खुद बहुत अच्छा ट्रेनर है, ये इसका प्लस पॉइंट है। स्पेशियस सबसे ज़्यादा डबल बना हुआ है ना, डबल मंजिला बना हुआ है, उसका भी बड़ी मज़ेदार सा सीन है इनका। प्लस तीसरी बात ये है कि इक्विपमेंट ब्रांड न्यू है, रीजनेबल प्राइसेस में। आपका आना तो सर जी बनता है ना, फिर कराची के चांडियों का ये रिव्यू भी आपको यकीनन बहुत पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत शुक्रिया, एक नई वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।